क्यों आपको आगे सर आज की विलेज देखो मुसलमान रह गया के साथ बैठ के जा रही तो क्या नाम है तुम्हारा हाँ नाम क्या साइड में ले तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से ये वीडियो को न्यूज़ चैनल वालों ने भी पोस्ट किया और सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूम रही है और मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे इसके जिम्मेदार कौन है। इसकी तफसीलात हम वीडियो के एंड में देख लेंगे, पहले वीडियो देख लीजिए। कहाँ रहते तुम बुरखा पहन के ना तुम? एक मिनट रुको, हट रहा क्या हुआ? हाथ नीचे कर। बुरखा पहन के ना तुम? बुरखा उतार के फिर यहाँ फिरना है तो साथ में बुरखा उतार के फिर खराब मत कर। कहाँ रहता है तुम? मैं बंजारा से कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ है ड्यूटी, कहाँ है ये तुम्हारी? अरे आप हैदरनगर इधर कहाँ था? अत्तापुर पे ताज होटल में नाश्ता करके जा रहा हूँ। कैसा फिरते जी तुम गैर मुसलमान के साथ? इस्लाम नहीं है अपने को यार। क्यों भैया क्यों निकाल रहे? अरे बुला रहे क्या? काका को फोन कर, माँ खींच तू तब करेंगे जो भी करना है। काका को फोन कर भैया, उतर के अगर चाह रहे तो इज्जत से चले जाओ। भैया क्या उतरो, उतरो गाड़ी पे से उतरो, पहले उतरो गाड़ी पे तो सब बात के बाद उतरो गाड़ी पे से उतरो पहले। तू न्यूसेंस कैसे कर रहे हो? रोड में क्यों न्यूसेंस कर रहे हो? हेलो मेरो फोन दे दो, पैसा लेते तुम पैसा फिरते। हैदराबाद के किसी भी पार्क में चल जाइए, वहाँ पर हमारी कौम की लड़कियाँ बिल्कुल नजर आती हैं और हमारी कौम की लड़कियों से शादी करने के लिए कुछ लोग इस तरह के ऑफर भी चला रहे हैं। और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ और जब कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात भी कर रहा है तो उसे मारा पीटा जा रहा है। कल का वीडियो देख लीजिए ये वाला। और बहुत सारे लड़के 2.5 लाख के लालच में आ रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और शादी होने के बाद में लड़कियां कुछ इस तरह के वीडियोस भी बना रही हैं। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी, फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी जबरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जाए यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर। निकालो पर्स, शर्म नहीं आता है? मुस्लिम लड़की नहीं है, हम घूमे मुस्लिम लड़की के साथ। कल इन्हें बोल रहा था कि हम लोग यहाँ घूमे क्या मुस्लिम लड़की के साथ बोल के ये बच्चे को बहरिया मार दिया था इन्हें। कल का वीडियो देख लीजिए, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। ये 2.5 लाख के चक्कर में ज्यादातर ऑफिस जाने वाली लड़कियां फंस रही है। हम लोगों को इन लोगों की दोहरी पॉलिसी समझना होगा। लड़की किसी भी धर्म की रहने दो, पैसे के लिए वो लड़की की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो को आप डाउनलोड करके शेयर करते करिए, जिस तरह से चाहे करिए, हमारी तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।